जातू से लड़ा था और विधानसभा के चुनाव में जब मुझे टिकट मिला था, जिनके हस्ताक्षर से मिला था, उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय गडकरी जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा दिए गए टिकट के आधार पर सिराथू में 2012 में पहली बार कमल का फूल खिला था। अब तो पूरी धरती कौशाम्बी की कमल के फूल की हो गई है। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बस एक लाइन बोलूंगा कि आंधी क्या तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, अगर इस भारी वर्षा में भी या पंडाल में कहीं जगह नहीं छोड़ी है तो आपकी ताकत माननीय हमारे माननीय गडकरी जी जरूर देख करके जा रहे हैं। और इसका बड़ा संदेश हम सब लोगों के लिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। मंच पर विराजमान हमारे जिले की अध्यक्ष आदरणीय अनीता त्रिपाठी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी श्रीमान से ज्यादा होती है, देश के उन्नत किसानों में से कैसी खेती करते हैं, शायद मुझे लगता है समय अभाव है लेकिन कुछ ना कुछ आपको बताएंगे, मंत्र देंगे और चुनाव के बाद जब समय मिलेगा तो आप में से बहुत सारे लोगों को एक अवसर ऐसा मिलेगा जब नागपुर चला जाएगा और वहां चल करके जो खेती में भी क्रांति है, सड़क में भी क्रांति है, जब गंगा मंत्रालय, नमामि गंगे मंत्रालय था तो इसमें भी क्रांति है। आप सब कौशाम्बी के लोग, जितने घाट बने हैं गंगा जी के किनारे, वह सब घाट माननीय नितिन गडकरी जी के स्वीकृति के कारण बने हैं और उस समय की वह स्वीकृति आज बन करके तैयार है। मैं आप सबको, या जो 6 लेन का कानपुर की ओर से आने वाला यह रोड बन रहा है, यह रोड बनाने का काम, पहले 4 लेन अब 6 लेन, उसको बनाने का काम भी माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम लोगों ने मांग की थी कि अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक, क्योंकि भगवान राम अयोध्या में जन्म लिए थे, श्रृंगवेरपुर धाम में जब उनकी वन यात्रा शुरू हुई थी तो अपने निषाद मित्र निषाद राज गुह को गले लगाने का काम किया था और गंगा जी पार करके कौशाम्बी की धरती पर आए थे, प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज जी के दर्शन करके भगवान वाल्मीकि का दर्शन करते हुए चित्रकूट गए थे और चित्रकूट के बारे में कहा जाता है कि चित्रकूट में बसत है रहिमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है तेही आवत यह देश। कल माननीय जी ने एक घोषणा किया है श्रृंगवेरपुर की धरती से कि जहां रामलला का जन्म हुआ है वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिन मार्गों से भगवान श्री राम लंका दहन करने के लिए, लंकापति को सजा देने के लिए गए थे, उस मार्ग को राम वनगमन के रूप में बनाने का काम करेंगे। आज मैं यही यहां पर निवेदन करना जरूर चाहता हूं कि श्रृंगवेर अयोध्या से 4 लेन की जो सड़क आ रही है, वह 4 लेन की सड़क हमारी चित्रकूट तक जा रही है, आगे आपने कल रामेश्वरम तक बनाने की घोषणा की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन यमुना जी पर राजापुर बाईपास करते हुए 2 लेन पुल का निर्णय लिया गया था, मेरी आपसे विनती है कि उसको 2 लेन की जगह 4 लेन करने की कृपा करेंगे तो मुझे लगता है कि कौशाम्बी में आर्थिक क्रांति भी आएगी। पूरा मध्य प्रदेश, पूरा महाराष्ट्र इसी कौशाम्बी से होकर के निकलेगा और इसका कितना बड़ा फायदा कौशाम्बी के लोगों को होगा उसका अंदाजा आपको भी है, मुझे भी है। मैं आज यहां पर